जो जैपनीज लोग होते हैं ना, वो रात में ही नहा के सो जाते हैं और सुबह सुबह उठते हैं, अपना जो भी मंजन ब्रश करना होता है वो करके तुरंत ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम इंडियन हैं, इंडियन कल्चर में सुबह नहाते हैं, तो मैं भी फटाफट नहाऊंगा। वैसे मैंने रात में भी नहाया था, लेकिन ये किचन में ना एक वो नहीं है, एसी नहीं है, तो यहाँ पे खाना वाना बनाओ तो बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है, तो नाइट में पसीना से निकल थोड़ा बॉडी चिपचिपाहट से हो रहा है, तो मैं भी नहा लेता हूँ फटाफट। मुझे ना सुबह सुबह गर्म पानी हनी और लेमन डाल के पीने की आदत हो गई है, 4-5 महीने से पी रहा हूँ मैं, पर अब यहाँ पे अभी कुछ है नहीं सिस्टम, तो गर्म पानी से ही काम चलाते हैं। मुझे ना सुबह सुबह गर्म पानी पीने के साथ साथ एक चीज़ की और आदत है, वो है एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने की, और मैं डेली सुनता हूँ। और एनर्जेटिक सॉन्ग में सबसे पहले ना मैं शिव तांडव सुनता हूँ, उसके बाद में फिर और जो गाने आते हैं उनको लगा के रख देता हूँ, तो उनको सुनता हूँ। मुझे लगता है यार सॉन्ग सुनने चाहिए एनर्जेटिक सॉन्ग, क्योंकि जब आप सुबह सुबह अच्छा फील करते हैं ना तो आपका सारा दिन अच्छा जाता है, तो और सच में एनर्जी आती है यार, जब आप दिन में कोई काम करना चाहते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो मुझे लगता है सुबह सुबह से सॉन्ग सुनने चाहिए। जापान में ना गर्मी चाहे जितनी हो आपको गर्म पानी मिक्स करके ही नहाना पड़ता है, एक्चुअली यहाँ पे ठंडा पानी बहुत होता है, इसलिए हमेशा गर्म पानी ही मिक्स करना पड़ता है। ये मेरी सबकी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हैं, इसी में मेरी भी 10 नंबर की पार्किंग मेरी है, पर अपने पास कोई गाड़ी ही नहीं है। अब मुझे टेंशन हो रही है कि मेरा फर्स्ट डे मैं क्या पहन के जाऊँ, एक्चुअली सूट कोट पैंट सब कुछ मेरे पास है, तो पहन के जाना चाहता हूँ, बट वहाँ पे मैंने देखा नहीं किसी को पहने हुए, तो थोड़ा सा वो भी लगता है कि यार कहीं ये ना हो कि ये बड़ा जेंटलमैन बन के आ गया यहाँ पे। तो हालांकि मुझे ऑफिस में ही काम करना है, नीचे कोजियो में फैक्ट्री में तो जाना नहीं है, लेकिन पहला दिन है तो यार मुझे लगता है कि नहीं पहन के जाना ही चाहिए यार। 15 मिनट बाद मुझे निकलना है जॉब के लिए, तो सोच रहा हूँ कि यार घर में बात करूँ, पर इस टाइम बज रहा है 7, हाँ इंडिया में बज रहा होगा 3:30, तो इस टाइम पे तो बात करना ठीक नहीं लग रहा, और वैसे भी मेरी मम्मा कहीं बाहर गई हुई हैं तो उनसे बात होगी नहीं, और मम्मा के बाद जो आते हैं मेरे ब्रदर, वो भी सो रहे होंगे, तो लगता है डिस्टर्ब करना ठीक होगा नहीं, और बात करने का मन तो बहुत कर रहा है यार। इंडिया के रात में 3:30 बज रहा होगा, तो फोन लगाना ठीक नहीं समझा मैंने ब्रदर को, थोड़ी सी बात हो गई घर में 2 मिनट। जापान में अकेले रहते हैं ना तो कभी कभी बड़ा दुख होता है, पता है किस बात का, जैसे कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, कि जैसे ऑफिस या फर्स्ट डे है जैसे आज मेरे जॉब का, तो थोड़ा सा मुझे बैड फील हो रहा है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा सैडनेस हो रही है, वो इसलिए कि जब फैमिली के साथ होते हैं ना तो बढ़िया खुशी होती है सबको, और साथ में हमें भी होती है खुशी, और जब ऑफिस वगैरह जाते हैं तो घर वालों का जो थोड़ा सा शुभ माना जाता है दही वगैरह खिलाते हैं, बट यहाँ पे तो वो सब पॉसिबल नहीं ना, अकेले रहते तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा, तो कभी कभी बैड फील होता है कि यार इंडिया ही ठीक है, यहाँ पे अकेले मरने से अच्छा तो फैमिली के साथ रहो तो ज़्यादा अच्छा है, बट क्या करें, लाइफ की गाड़ी को चलाना है तो ये सब झेलना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा मुझे भी बैड फील हो रहा है कि यार शायद जैसे मेरा जब फर्स्ट ऑफिस मेरी जॉब थी बैंक में, जब मेरा फर्स्ट जॉब थी इंडिया में, तो मेरे घर वालों ने मुझे अच्छे से विदा किया था, तिलक तिलक लगा के और मीठा सीठा खिला के, जो दही वगैरह खिलाते हैं तो वो खिला के भेजा था, पर यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, तो फिर अपनी पीठ अपने आप ठोंको, और जो भी गुडनेस या बैड फील हो रहा है तो ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, तो फिर सब कुछ ठीक ही हो जाता है यार, जब अपने आप ही करना है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो कभी कभी जब ऐसा फील हो ना तो अपने आप पीठ ठोको कि शाबाश अच्छा कर रहा है, और जब कुछ अंदर खराब चल रहा हो, कोई टेंशन चल रही हो, तो ऑल इज वेल बोल दो बस, तो वही है, बाकी तैयारी कर रहा हूँ। ये वेब डेवलपिंग की बुक है, हिंदी से मैंने मंगाया था, इसी से सीख के काम करेंगे। पढ़ा तो है यार मैंने वेब डिजाइनिंग वगैरह, बट काम कभी नहीं किया ना, जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है, जो पढ़ना होता है वो अलग ही होता है, तो टेंशन भी होती है, क्योंकि यार जहाँ पे मैं जिस ऑफिस में जहाँ पे काम करने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे आईटी का किसी को आई भी नहीं पता,
उन्होंने सीधा बोल दिया था, तो मुझे उनकी वेबसाइट वगैरह डेवलप करनी है, तो मैंने किया नहीं है कभी। हाँ ट्राई मारा है, तो थोड़े से टैग टू कैसे क्या लगाते हैं वो थोड़ा बहुत पता है, तो देखते हैं बाकी वहाँ पे जाके भी पता लगेगा कि यार एग्जैक्ट करना क्या है। क्योंकि मैंने जहाँ से वर्क वीज़ा जैसे जॉब सर्च करी थी ना, जहाँ से उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया था कि ये काम करना है, कंपनी वालों ने तो मुझे कुछ बताया नहीं था कि ये करना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी उनके प्रोडक्ट वगैरह सेल करने अमेजोन और राकुटेन, जो यहाँ पे जापान का सबसे बड़े ई कॉमर्स साइट है जैसे अमेजोन के जैसे, तो वो है। बाकी ये ICICI की एक मेरे पास डायरी है, जब मैं ICICI में जॉब करता था तो तब से मेरे पास है ये। अब इसी को बनाएंगे अपना मेमो चो जो होता है, जो कि जापान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी काम सीखते हो, तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतनी छोटी सी रखते हैं, बट हम रखेंगे बड़ी सी, क्योंकि हम काम के प्रति ज़्यादा सीरियस हैं, तो थोड़ा सा बैड भी फील हो रहा है, इसलिए यार बात हुई नहीं घर पे, और करना नहीं चाहता 3:30 बजे। मतलब करने का मन तो बहुत करता है, बट मुझे लगता है सुबह सुबह यार डिस्टर्ब करूँगा, तो इमोशनल हो गया थोड़ा सा सुबह सुबह से। थोड़ा सा मैं इमोशनल टाइप का ज़्यादा बंदा हूँ यार, तो कभी कभी मेरे इमोशनलपन होने की वजह से ना लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उठाना है जिसको उठा ले, है ना। पर इतना वो भी नहीं हूँ मैं, पर हाँ थोड़ा इमोशनल हूँ। अभी जैसे वहाँ से आ रहा था ना मैं, तो घर तो नहीं था वो मेरा, बट फिर भी रोना आ ही गया था। यार दोस्त थे यार, इतने टाइम बैठे उठे, वैसे तो इतना जल्दी मैं किसी को दोस्त बनाता नहीं हूँ, खास मेरा कोई होता नहीं है, लेकिन दिल से अटैचमेंट हो ही जाती है बंदों से, तो इसलिए थोड़ा सा बैड फील हुआ वहाँ से भी। बाकी चलते हैं, ये सब बातें क्या करना, ऑफिस की निकलते हैं जॉब की तरफ। थोड़ी बहुत अंदर से घबराहट भी हो रही है यार, वो होता है ना कि जब कोई नया नया काम स्टार्ट करने जाते हैं तो कुछ पता तो होता नहीं कैसे क्या करना है ज़्यादातर, तो वही हो रहा है। मैंने बताया ना कि मुझे कोई वेबसाइट डेवलपिंग का एक्सपीरियंस वगैरह है नहीं, पढ़ाई तो किया यार, BCA किया, 2016 में पास आउट हो गया था, उसके बाद बैंक में जॉब करने लगा तो उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे आए 3 साल से अरबाई तो ही चल रही है, तो इसलिए फिर कभी मौका नहीं मिला कुछ करने का। बट वेबसाइट बनाना प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट को जैपनीज़ में बनाना है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है यार इंग्लिश में बनाना तो वर्डप्रेस है, Wix.com है, उसमें से कॉपी पेस्ट मारो, वेबसाइट बनना बहुत बड़ी बात नहीं वेबसाइट बनाना, लेकिन जो जैपनीज़ में बनानी ना वो नहीं मुझे समझ में आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह किया पर कहीं पे ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे कि मैं जैपनीज़ में कैसे बनेगी, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। बाकी कोई बात नहीं, सब कुछ जब करते हैं ना तो हो ही जाता है फिर। तो यार पहुंच गया हूँ कंपनी, ये मेरे बिल्कुल सामने कंपनी है, 7:30 बजने वाले हैं, 3-4 मिनट रहते हैं, तो पहले ऊपर ही जाना है ऑफिस, नीचे फैक्ट्री है ऊपर ऑफिस है, तो ऑफिस में ही जाना होगा मुझे, तो चलते हैं। बाकी बताता हूँ फिर आज का पहला डे मेरा ऑफिस में जॉब में कैसा रहा। रूम पे आ गया यार, मैं नज़दीकी था, मैं क्या क्या खाना वाना लेके जाना, और स्टार्टिंग में तो मैं कभी लेके भी नहीं जाता कहीं पे भी, तो रूम पे आ गया। यहाँ पे 5 मिनट लगे मुझे आने में, 5 या 7-8 मिनट, मैं कह चलो रूम से खाना खा के आते हैं। और यार आज दोपहर तक में तो कुछ काम ज्यादा कुछ खास था नहीं, एक्चुअली इनका जो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करना है ना राकुटेन वगैरह में, तो शायद इन्होंने पहले थोड़ा बहुत शायद प्रोसीजर वगैरह किए हुए हैं, तो किसी बंदे ने इनको मतलब कि गाइड करके गया कि ऐसे ऐसे करना है, तो इनको कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिनको काम समझ आ सके, तभी मुझे रखा इन्होंने। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो बंदा आएगा तुम्हें काम बताएगा कि कैसे करना है, तो अभी 12 बजे तक तो आया नहीं था, तो फिर मैंने उसको ईमेल डाली, तो 1:30 बजे का टाइम दिया है, तो मैं यहाँ से खाना खा के जाऊँगा और 1 बजे मेरा लंच खत्म होगा, 1:30 बजे आएगा वो, तो 1:30 बजे देखते हैं क्या बताता है, समझ में आता भी है कि नहीं। बाकी अभी थोड़ा बहुत फाइल फूल मतलब कि जैसे डेली जो सेल्स रिपोर्ट होती ना वो बनानी बनानी थी, वो फाइल निकाल के रखनी थी सिर्फ, उतना तो उतना किया, बाकी आगे देखो क्या करवाते हैं क्या करना पड़ता है। चलते हो यार, खाना खा लिया, चलते फिर निकलते हैं, देखते वो बंदा आता तो फिर सीखते कुछ काम हम। और पता है मैं सुबह बता रहा था ना कि यार कपड़े क्या पहन के जाऊँ सुबह मॉर्निंग में, कि जैसे फर्स्ट डे है, पता तो था नहीं कि क्या पहन के जाना है, कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब होती तो उसमें तो पता ही होता है, तो मैं तो पहन वहन के चला गया, बट वहां पे जाके देखा तो वहां पे कोई जींस पहन के बैठा हुआ है, कोई टी शर्ट जींस पहन के बैठा हुआ है, कोई फॉर्मल कोई पहने, कोई लड़की है ना जैसे, तो वो बढ़िया
जैकेट वैकेट पहन के बैठी है, जैसे कि एसी थोड़ा सा ठंड हो दे तो वो सब पहन के बैठी हुई, तो मैं क्या यार यहाँ पे तो सब ऐसे ही चल रहा है, और मैं ही एक जेंटलमैन बन के आ गई। मतलब मैं भी ठीक ही रहा, मैं पहले तो सोचा कोट वोट टाइट हुई लगा के जाऊँ, पर मेरा मन देखा था मैंने पहले कि यार वहाँ पे तो ऐसा कोई जा ही नहीं रहा, तो मैं क्या चल पहला डे फर्स्ट डे है तो चले जाते हैं पहन वहन के। तो इतना पहन के गया तो उन्होंने जो नीचे वर्कर काम कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे देखा तो बिल्कुल गौर से देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ऊपर ऑफिस में काम नहीं होता तो नीचे भी कभी कभी हेल्प के लिए जाना पड़ता है, तो उन्होंने देखा होगा कि ये जेंटलमैन बन के आया है और इसको नीचे भी आना पड़ेगा तो फिर पता लगेगा। लेकिन हालांकि आज अभी तो मैंने 4 घंटे की जॉब में कोई नीचे नहीं गया, देखा नहीं, और मुझे बताया गया था कि ये नहीं है कि मतलब तुझे हमेशा नीचे भेजा जाएगा, जब इन केस नहीं काम है तो खुद अपने आप से जा सकता है, और मतलब काम देख सकता है कौन सा काम कैसे होता है वो देखने जा सकता है, और जापान में यार करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो हो गया टाइम, निकलते हैं, फिर बाद में शाम को बताता हूँ पूरी कहानी आज क्या हुआ, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं लंच के बाद पहुँचा जॉब पे ऑफिस, तो वो बंदा 1:30 बजे आया जो काम सिखाने वाला था मुझे, तो वो आया तो वही मतलब कि कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं, वो भी लगा रहा, और आज नए सिस्टम वगैरह भी लगाए गए हैं ऑफिस में, तो उसमें कुछ टाइम चला गया, और जैसे कि वो सेलर आईडी वगैरह क्रिएट कैसे करनी है वो मुझे बता रहा था, वो मैंने पहले से ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कैसे क्रिएट करनी है, तो उसी में मैं सुबह से ही लगा था, बाकी पढ़ा वगैरह है और आईडी वगैरह तो क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि उसमें एक आईडी पासवर्ड मांगता है जो कि कंपनी का खुद का होना चाहिए, तो कंपनी में किसी को आईडी पासवर्ड ही नहीं याद था राकुटेन का, तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग गया, फिर उसको जो मेरा ऑनर है उसको फ़ोन किया गया, वो भी बोला कि यार मुझे भी पता नहीं है, भूल गया हूँ, तो फिर मैंने बोला कि काफ़ी 1.5 घंटे उसमें लग गए, तो फिर मैंने बोला कि मेरी अगर आईडी पासवर्ड से चले काम तो चला लो, तो फिर उसने जो बंदा आया था कहता कि नहीं साचो का होना चाहिए, कंपनी का मालिक का होना चाहिए, तो उसी में लगा रह गया। बाकी आज ज़्यादा कुछ काम हुए नहीं, बस वही कि हाउ टू मतलब कैसे क्रिएट करना है अमेजोन में देखता रह गया, राकुटेन में देखा, वही सब पढ़ता रह गया डिटेल की हाउ कैसे करनी है सब, बाकी उसी में निकल गया आज, तो मतलब कि अच्छा निकल गया दिन। सुबह 7:30 बजे गया, 5 बजे सीधे जो आंटी थी उसने बोला कि ठीक है अब जा, तो आ गया मैं, और कल से देखो कल फिर आएगा वो, अभी आईडी क्रिएट वगैरह हुई नहीं, तो अब जब कल आएगा तो कल फिर यही शायद काम चलेगा, कल भी मेरा ऑनर जो साचो है कल भी नहीं होगा, तो देखो क्या होता है कल, अभी तो आज का दिन 8 घंटे बड़े आराम से निकल गए, 9 घंटे की शिफ्ट होती है एक्चुअली, 1 घंटे आपको ब्रेक मिलता है, तो जब मैंने लंच के टाइम पे आया था 1 घंटे का ब्रेक सोच के, तो आ गया फिर मैं 1 घंटे मतलब कि 5 मिनट पहले पहुंच गया था, पर वहाँ पे मैंने देखा यार सब काम सब कोई अपनी अपनी चेयर में बैठा था, तो मुझे देख के मैंने डर लगा, मुझे लगा कि शायद 45 मिनट का ही ब्रेक था, और मैंने तो 1 घंटे का ले लिया, लेकिन 1 घंटे का ही था शायद, 3 बजे फिर से 15 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें जो मुझे ऑफर लेटर मिला था उसमें लिखा हुआ था कि 1 घंटे 15 मिनट की टोटल ब्रेक है, लेकिन मैं 1 घंटे के पहले ले लिया, तो मुझे लगा शायद दोबारा होगा ब्रेक, पर ब्रेक होना हो बराबर ही था मेरे लिए, तो बैठा ही था आज, कुछ काम था नहीं, बाकी 2-4 लोगों ने, एक जैसे ऑफिस स्टाफ था, एक चले गए 3:30 बजे, फिर एक चले गए 4 बजे, और ऐसे धीरे धीरे लोग जाते रहे, तो मुझे लगा कि 5 बजे मैं भी चला जाऊँगा, तो जैसे कुछ वीडियो वगैरह देखी ना कि नहीं टाइम से नहीं जाना चाहिए, तो बैठा रह गया, जब मुझे आंटी ने बोला कि ठीक है जा टाइम हो गया, फिर मैं कहा चलो चलते हैं, तो बस आज का दिन ऐसा ही रहा यार, और कल से देखते हैं क्या होता है, आईडी वगैरह जब क्रिएट हो जाएगी फिर उनके प्रोडक्ट को सेल करना है, तो फिर मतलब काम करने मजा आएगा, और प्रॉब्लम भी आएंगी, बट क्या है ठीक है, काम कर करके ही सीखता है बंदा। आज पूरे दिन में मतलब कि एक प्रॉब्लम का फेस किया मैंने, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे जो निहोंगो हमने पढ़ी है तो वो अभी जो यूज करते लोग वो पढ़ाई जाती है, और जो ऑफिस स्टाफ है ना मेरा पूरा मतलब कि सारे ओल्डेस्ट पर्सन है, सारे 50 के ऊपर हैं, और जो मुझे काम सिखाने आया था वो भी 60+ था, तो जो निहोंगो यूज़ कर रहे थे ना तो वो निहोंगो काफ़ी पुरानी मतलब कि जो वर्ड है इनकी जो मीनिंग है वो काफ़ी पुरानी यूज़ कर रहे थे, तो कहीं कहीं पे मेरा मिस हो जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट हाँ हाई हाई कर लेता था, तो जो नहीं समझ में आता था कि जैसे वर्ड सुन लेता था और समझ में ना आया तो फिर उसे गूगल ट्रांसलेट कर लेता था, मोबाइल वगैरह तो यूज़ करना यार मना है शायद वहाँ पे बना, और किसी को मैंने देखा भी नहीं कि मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा, तो मैंने सिस्टम में ही गूगल ट्रांसलेट ओपन करके रखा था, तो जो नहीं समझ में आता था वहीं पे सर्च मारा तो समझ में आ गया,
बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस इसी निहोंगो की थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि ये पुरानी वर्ड यूज कर रहे थे इसलिए। और जो अभी की जनरेशन है ना, अगर यंगर बंदे होते जो हमारी एज के होते तो शायद उनकी लैंग्वेज समझ में आती है और समझ आता, बट ठीक है धीरे धीरे सुनने से हैबिट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बस यही प्रॉब्लम फेस किया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है यार, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। जो सीखने को मिला हो तो यार, जो भी चैनल प्लीज़ न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और जैसे हर वीडियो में बोलता कि यार जो भी मेरे कुछ कमी हो मुझे प्लीज़ बताना ताकि मैं उसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद।